नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव प्रोग्राम और आज के हमारे मेहमान हैं तिनसुकिया के जाने माने कांग्रेस नेता एडवोकेट पथिक देव। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आगे का सेशन हम पथिक देव जी के साथ शुरू करने से पहले उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। कानून के साथ आईपीसी और सीआरपीसी में बात करने वाले पथिक देव जी के परिवार के कांग्रेसी घराने से बहुत पुराने संबंध है। बेशक दिन भर वे कोर्ट और कानूनी मामलों में माथापाची में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वे स्थानीय समस्याओं और समाज की जरूरतों पर चर्चा करना बिल्कुल नहीं भूलते। तो चलिए, हम बिना समय गवाए आज हम उनसे बात करेंगे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में। आप सबसे पहले ये बताएं कि आपके अनुसार आखिर सत्तारूढ़ सरकार द्वारा डीजल को पेट्रोल से भी महंगा करने के पीछे की मंशा क्या है? देखिए, डीजल और पेट्रोल का जो चीज है, अब 2014 का बाद से ग्रेजुअली वो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ोतरी होते रहा दाम में, चलते चलते अभी जून 2020 से भयानक रूप ले लिया। आज का दिन में आप देखें तो दिल्ली में पेट्रोल का दाम हो गया 80 रुपया 43 पैसा, डीजल का हो गया पर लीटर 80 रुपया 53 पैसा, कोलकाता 82 रुपया 10 पैसा और डीजल का हो गया 75 रुपया 64 पैसा, मुंबई उसी हिसाब से 87.99 पैसा पेट्रोल में, ताकि डीजल में आ गया 78.83, चेन्नई में 83.63 77.72 डीजल में। अभी केवल आप देखिएगा दिल्ली में पेट्रोल का रेट आपका ये 3 जुलाई का रेट आप लोग को बोल रहे हैं, पेट्रोल का रेट आ गया दिल्ली में 80 रुपया 43 पैसा और डीजल का 80 रुपया 53 पैसा। अभी ये सारा चीज़ जो यहाँ में भी दिखाई पड़ रहा है, तो डीजल का रेट पेट्रोल से कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा है और कहीं कहीं बराबर है, कभी कहीं कहीं थोड़ा सा कम है। ये मुद्दा बहुत लंबा मुद्दा है। ये जीएसटी के अंदर में ये पेट्रोल डीजल नहीं आने का वजह से मुख्य कारण वही होता है जो उसमें अलग से टैक्स लागू होता है और हर स्टेट अपना अपना टैक्स अलग से मुहैया करवाता है। एक्साइज ड्यूटी होता है सेंट्रल का, वो एक्साइज ड्यूटी अब सेंट्रल गवर्नमेंट करवाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी करने के बावजूद में भी काफ़ी दूसरा टैक्स होता है। ये रोड टैक्स एक 2016 से रोड टैक्स एक अलग से लागू किया गया इसमें, तो जो पहले रोड टैक्स नहीं था, तो उसका वजह से आप देखिएगा क्रूड ऑयल का जो भाव नीचे जा रहा है, गिरते जा रहा है, उसका बावजूद में भी इंडिया में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ोतरी में ही है। अभी एक्सेसिव पोजीशन में चला गया, अभी एक्सेसिव पोजीशन में चला जाने से आदमी लोग को काफ़ी परेशानी आ रहा है। परेशानी जो अत्यावश्यकीय सामग्री है, एसेंशियल कमोडिटीज़ है, एसेंशियल कमोडिटीज़ में इसका पूरा जोर पकड़ लिया आदमी का नज़र में आने लग गया, तो इसीलिए आदमी का नज़र आने से अभी आदमी लोग जहाँ तहाँ इसको लेके हर जगह में इसको लेके प्रतिवाद करवा रहा है, प्रोटेस्ट रैली निकाल रहा है, प्रोटेस्ट करवा रहा है जे इसका दाम तुरंत घटाना चाहिए। और इसमें मंशा क्या है? गवर्नमेंट टैक्स में अगर थोड़ा सा कमा दे, पेट्रोल डीजल का दाम देखिए आज का दिन में 50 रुपीज़ का नीचे पेट्रोल का और डीजल का रेट 45-40 का नीचे में वो लोग आराम से दे सकता है। आपको एक स्ट्रेटेजी देते हैं, आप पेट्रोल का 3 तरीका जो आप लोग का इंटरनेशनल रेट है क्रूड ऑयल का, एक तरीका दे रहे हैं हम, एक तरीका क्रूड ऑयल का 1 जुलाई 2020 का क्रूड ऑयल का पर बैरल का रेट था 2979 और 3 जुलाई 2020 का क्रूड ऑयल का रेट था पर बैरल 3008 रुपीस। अभी बैरल का हिसाब से आपको पर लीटर का क्या आता है, एक बैरल होता है 158.9873 लीटर्स, दैट मीन्स 158.98 158 यानी पकड़ लीजिए,
एक बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर होता है। उस हिसाब से हम लोग अगर तीन तारीख का हिसाब करें, तीन तारीख का एक बैरल का रेट था 3,800। उस हिसाब से आपका एक लीटर का क्रूड ऑयल का दाम आता है 18.91 रुपीज़ का पेट्रोल आज हमको 80 रुपये का ऊपर में मुहैया करवा रहा है। अभी देखिए उसमें यही चीज़ आप पाकिस्तान में देखिए, इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल का रेट है पाकिस्तान में आपको तीन तारीख का रेट जो है, डीजल का रेट था 55.98 रुपीज़, बांग्लादेश का रेट था 65 टका, वहाँ टका का हिसाब होता है पर लीटर। और वही जगह में तीन तारीख हम लोग का यहाँ हमारा इंडिया में ये चीज़ का रेट आ गया 80.43 एंड 80.53 डीजल का दिल्ली का। अभी यही चीज़ अगर बांग्लादेश इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री नहीं है, बैकवर्ड कंट्री है, पाकिस्तान का बात तो किसी को बोलना नहीं है, श्रीलंका का बात भी किसी को बोलना नहीं है, तो उसी कंट्री में अगर आपको 55.98 रुपया 56 रुपये से पकड़ लीजिए और बांग्लादेश का 65 टका में पकड़ लीजिए दे सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं दे सकता है? इंडिया तो डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री नहीं है। तो यही चीज़ से लागू होता है, जो चीज़ आपको 18.91 रुपीज़ में मुहैया कर सकता है 0.91 रुपीज़ का बाद में वो लोग एक्साइज ड्यूटी लगाता है पर लीटर में 21 रुपया, ये एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देता है। उसका बाद वैल्यू एडेड टैक्स आता है, और वैल्यू एडेड वैट जो हम लोग को वैल्यू एडेड टैक्स हो जाता है आपका स्टेट वाइज, और स्टेट वाइज कोई स्टेट में कमती है कोई स्टेट में ज़्यादा है, उसका अलग से आपको क्या होता है इसमें 8 रुपया पर लीटर आप लोग का रोड सेस लेता है। रोड सेस बोल के अलग से एक चीज़ वो लोग मुहैया करवा नवंबर 2014 से पेट्रोल डीजल का साथ वो लोग रोड सेस एक टू ले रहा है। और नवंबर 2014 का बाद में अब सोचने से हम लोग का माने हम लोग सोच नहीं सकता है इतना परसेंट बढ़ाया। नवंबर 2014 का बाद से 54% इंक्रीज किया एक्साइज ड्यूटी। नवंबर 2014 का पहले बहुत कमती था एक्साइज ड्यूटी, लेकिन आफ्टर नवंबर 2014 वो एक्साइज ड्यूटी पे डीजल पेट्रोल में आपका 54% इंक्रीज करवाया। उसका अलावा भी आप देखिए जो एक्साइज ड्यूटी का जो है वो 21% हो गया, डीलर कमीशन हो गया 21 रुपीज़ हो गया, और डीलर कमीशन हो गया अलग से। उसका बाद भेट अलग अलग स्टेट का अलग हो गया, उसका बाद में भी रोड सेस आ गया, ये सारा कुछ लेके आपका जो पेट्रोल डीजल का दाम हो गया क्या 3 गुना 4 गुना हो गया जो क्रूड ऑयल का दाम है। 19 रुपया का तेल आज का दिन में 80 का ऊपर में हम लोग को मुहैया करवा रहा है। अब उसी जगह में देखिए एक लीटर तेल में गवर्नमेंट कितना रुपया डिफरेंट एक्साइज ड्यूटी, रोड सेस, उसका बाद भैट, ये और कोई कोई टैक्स का ऊपर ई करके वो लोग 4 टाइम्स ज़्यादा हम लोग से ले रहा है। तो यही चीज़ ये अगर गवर्नमेंट कमा दे तो आम आदमी को काफ़ी परेशानी से वो लोग को रिलीफ मिलेगा। ये पेट्रोल डीजल का साथ साथ आप लोग देखिएगा, पेट्रोल डीजल का आप बोल सकते हैं पेट्रोल तो थोड़ा मिडिल क्लास आदमी लोग ये करता है, गाड़ी चलाता है पेट्रोल गाड़ी, डीजल भी इकोनॉमिकली जो होता है इकोनॉमिकली यूज़ करता है, इकोनॉमिक्स एसेंशियल कमोडिटीज़ लाने के लिए डीजल गाड़ी यूज़ होता है। मान लिया हम अभी डीजल में क्यों बढ़ोतरी करवाया, अगर डीजल में वो चीज़ रिड्यूस कर देता रहा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो कैरी करने के लिए काफ़ी कम ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट आता रहा, काफ़ी कम ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट में ये माल मुहैया करवा सकता रहा, और उसका लाभ होता रहा आम जनता को। अभी देखिए टैक्स का जो पैसा आपका जो आपका ये दे रहा है ट्रांसपोर्ट कंपनी जो
तेल में भुगतान करवा रहा है वो चीज़ तो वो लोग अपना पैसा से पकड़ से नहीं दे रहा है, वो लोग पार माल का अगेंस्ट में, अगेंस्ट ईच गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वो लोग उसी का ऊपर में रेट फिक्स करता है, उसी का ऊपर रेट फिक्स करके वो लोग ट्रांसपोर्टिंग जो होता है कॉस्ट लगाता है उसी। मान लीजिए हम एक ट्रक आलू ले आया, एक ट्रक आलू का आज का दिन में ले आएगा तो 80 रुपया या 82 रुपया जो भी टेल लगेगा वो एक्सेस रेट माल का ऊपर लगेगा। वो माल जब यहाँ में तिनसुकिया में बाहर से तिनसुकिया में माल मंगाएगा वो रेट उसका ऊपर आ जाएगा, वो डीजल का रेट पकड़ के वो चीज़ आ जाएगा। वो तो उसी हिसाब से ऑटोमोटिव के लिए आपका आलू का रेट, प्याज का रेट, वो डीजल का रेट जो है उसका साथ मिल के वो लोग आदमी को बिक्री करेगा, उसका ऊपर अपना जो प्रॉफिट है वो चीज़ तो अलग हो गया, वो चीज़ हमेशा ही लेगा, उसको लिए कोई ये नहीं है, वो तो गवर्नमेंट फिक्स करता है। लेकिन बात यही है वो जो डीजल का रेट, जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो बढ़ गया वो तो आम आदमी बियर कर रहा है, और आम आदमी का ऊपर ये आम आदमी से ये बेनिफिट सरकार ले रहा है। एक तरफ तो सरकार बोल रहा है हम लोग को रेशन मुहैया करवा रहा है, 5 KG करके चावल नवम्बर तक देगा, ये बात बोला। दूसरा तरफ ये लोग आम आदमी के ऊपर ये परेशानी डाल रहा है, हर चीज़ का दाम बढ़ गया। अभी एक आदमी को मान लीजिए 5 KG चावल आपको एक महीना में दिया, 1 KG चावल का रेट आप पकड़ लीजिए मार्केट में 30 रुपया में आप अच्छा क्वालिटी खाने लायक चावल मिडिल क्लास का मिल जाता है, 150 रुपया का चावल उसको दिया है, और आलू कितना रुपया का वो उसको खरीदना पड़ रहा है, तेल कितना रुपया का खरीदने पड़ रहा है, मसाला कितना रुपया खरीदना पड़ रहा है, बाकी हर सामान तो उसको खरीदने पड़ेगा। उस सामान से तो जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो बढ़ गया ये तेल कॉस्टली करने का वजह से, वो तो आम आदमी वो चीज़ के ऊपर परेशानी भूग रहा है ना, ये चीज़ पूरा मार गिर रहा है आपका आम आदमी के ऊपर। तो इसीलिए सरकार को ये सोचना चाहिए जे पेट्रोल और डीजल का दाम इतना मुनाफा एक्साइज ड्यूटी दूसरा ड्यूटी को लेके थोड़ा कम कर सकता है वो लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इजीली सेल पेट्रोल को आपको 50 का नीचे, डीजल को 40 का नीचे में वो लोग बिक्री करके आम जनता को रिलीफ दे सकता है। तो ये चीज़ सरकार का इच्छा है, सरकार का सदिच्छा होता है तो वो लोग इजीली कर सकता है, सरकार का कोई नुकसान नहीं है इसमें, एक्सेस प्रॉफिट निकलना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में घटते क्रूड ऑयल की कीमतों के बावजूद तेल की कीमतें कम क्यों नहीं की जा रही है? ये तो हम पहले ही बोला आपको, ये सरकार का सदिच्छा होना चाहिए। देखिए एक बात है, ये सरकार शुरुआत से बोल रहा है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ क्या झाड़ू लेके रास्ता सफाई करना है स्वच्छ हो गया? हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए, हमारा अकाउंटेबिलिटी साफ होना चाहिए, उसको भी स्वच्छ बोलता है, हर जगह हमारा स्वच्छता दिखाई पड़ना चाहिए। अभी इसी जगह देखिए ये लोग का स्वच्छता दिखाई पड़ रहा है क्या? जो चीज़ 40-50 रुपया में मुहैया कर सकता है वही चीज़ अपना मुनाफा लेने के लिए वो लोग सरकार का भंडार पूरा करने के लिए आम जनता को माधव मार, जो हम लोग यहाँ कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा है वो माधव मार दे रहा है, वो लोग उसका ऊपर जो आम जनता के ऊपर परेशानी कर रहा है वो चीज़ इजीली वो लोग दे सकता है। क्योंकि वो लोग एक्साइज ड्यूटी जो 21 रुपया एक्साइज ड्यूटी है दैट इज़ मोर देन 54% इंक्रीज़ किया, वो चीज़ वो लोग रिड्यूस कर सकता है, वो लोग जो रोड सेस किया है उसको भी हटा सकता है, भेट जो है उसको भी अपना हाथ में कमती कर सकता है। और वो जीएसटी के अंडर में क्यों नहीं लिया आता है? जीएसटी के अंडर में लियाने से तो ऑटोमेटिक ये चीज़ कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन वो जीएसटी के अंडर में नहीं लिया रहा है। एक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ रही है, बावजूद इसके क्या उत्पाद शुल्क घटाकर तेल की कीमतों को कम नहीं किया जा सकता? देखिए कच्चा तेल का कीमत आज से नहीं, आपका 2014 का जो आपको कच्चा तेल का कीमत था वो कच्चा तेल का कीमत 2014 से अभी काफ़ी हद तक नीचे गिर गया। आपको जो हिसाब दिखाया 3/7/2020 में 3 जुलाई को कच्चा तेल का पर बैरल रेट था 3008 रुपया, उस हिसाब से पर लीटर का आता है
18.91 रुपीस, दैट इज 19 रुपीस। उसी को इजीली वो लोग डबल कर लीजिए, ट्रिपल कर लीजिए, वो भी राउंड अबाउट 50 का आसपास से वो लोग इजीली बिक्री कर सकता है। क्या कच्चे तेल की कम कीमतों का लाभ जनता को नहीं देना चाहिए? वो तो आप भी जानते हैं, अगर आम जनता को कच्चा तेल का कीमत देना होता रहा तो लोग 19 रुपया का तेल 80-84 रुपया में मार्केट में नहीं छोड़ता रहा। वो आम जनता को यही चीज हम बोला है, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो लोग स्वच्छ भारत अभियान उसका मुंह जुबानी में ही है, यहाँ ही दिखाई पड़ रहा है वो लोग कितना स्वच्छता है, कहाँ तक ट्रांसपेरेंसी है वो लोग का। वो लोग आगे आके नहीं बोल रहा है, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है एंड सारा भारत में इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, तेल कीमती होने का बावजूद ये लोग कमती नहीं कर रहा है प्रोटेस्ट का बावजूद में भी। तो लोग तो आगे आके इसका ऊपर कोई स्टेटमेंट दे सके आम आदमी को, जे यही कारण से हम लोग का 19 रुपया का तेल को हम लोग इतना रुपया में बिक्री करने के लिए बाउंड है। तो वो चीज़ आके ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो लोग स्वच्छता वो लोग का कुछ चीज़ में नहीं है। तो झाड़ू पकड़ लिया, दो झाड़ू लगा दिया रास्ता में दिखाने के लिए, वो स्वच्छता नहीं हो गया। स्वच्छता अंतर में होने होगा, हर चीज़ में दिखाई पड़ने होगा। यही से लगता है ये लोग स्वच्छ नहीं है, ट्रांसपेरेंसी वो लोग का कोई चीज़ में नहीं है। बोलने के लिए एक चीज़ है, कहने के लिए एक चीज़ है, करनी दूसरा होता है। पहले ही लॉकडाउन के चलते पूरे देश के साथ असम की इकोनॉमिक बेपटरी हो चुकी है, ऐसे में तेल की बढ़ती कीमतों को राजनीतिक दृष्टि से किस रूप में देखते हैं? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से बोलिए, सामाजिक दृष्टि से बोलिए और मानवता का दृष्टि से ही बोलिए, ये चीज एक भयानक परिस्थिति में आ गया, खतरा में आ गया। हम लोग आपको बताएं, इन दिनों में दो सुसाइड यहाँ में हुआ है, तिनसुकिया श्रीपुरिया अंचल में। ये डिफरेंट रीजन से बहुत कारण है इसका, किसी का घर नहीं चला सकता है, उसका रोजी रोटी नहीं है। जो यहाँ में आदमी है वो लोग कोई पकड़ लीजिए पेंटिंग का काम करता है, अभी इकोनॉमी के लिए क्राइसिस का वजह से कोई नया घर पेंटिंग होने से भी वो नहीं करवाता है, क्योंकि उसका सामान खरीद के घर चलाएगा ना, ये मॉडिफिकेशन करेगा घर का, ये सारा काम बंद हो चुका है। इसी का वजह से एक आदमी, एक लड़की टिंगरेहवी एरिया में, एक वेस्ट श्रीपुरिया में गुजर गया। कल हमको दुमदुमा में संजय बोल के एक लड़का सुसाइड करने के लिए कोशिश किया, उसका माँ ने हमको फ़ोन किया, उसका एक केस चल रहा है, तो आके हमसे बात किया। कारण ही है वो घर नहीं चला पा रहा है, उसका बच्चा है दो, बीबी है, बहन है, भाई है, माँ है, पिताजी नहीं है, अकेले का कंधा में सारा दुनिया है, सारा बोझ है, वो नहीं चला सकता है बोल के, घर नहीं चला पाता है बोल के वो सुसाइड का अटेम्प्ट किया था। कोई सूरत उसका बीवी देख लिया, वो बच गया। इस तरीके से बहुत ही अटेम्प्ट हो रहा है, बहुत कमिट भी कर रहा है सुसाइड, आगे भी आप देखिएगा इस तरीके से इंसिडेंट होने का संभावना है। ये चीज़ अगर सरकार असम में बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है, और बुरी तरीके से इफेक्ट होने का कारण यही है, जो आदमी लोग सुसाइड का अटेम्प्ट ले रहा है, कोई कोई सुसाइड भी कर रहा है, आगे भी हमारा डर है जो और बहुत आदमी इस तरीके से सुसाइड का अटेम्प्ट करेगा। अगर सरकार जल्द से जल्द कोई स्टेप्स इसमें ना ले, ये ले ले, अगर नहीं लेता है तो इस तरीके से इंसिडेंट को रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी के साथ छल नहीं है? यदि है तो आपके हिसाब से इसका समाधान क्या होना चाहिए? देखिए, ये आम आदमी का ऊपर छल का जो बात बोल रहे हैं, हर जगह में आप देखिएगा जुमला सरकार बोल के, यहाँ एक वर्ड जुमला बोल के गया है, यही है, बोलने का एक है, कहना एक है, करना एक है। वो लोग कहता है कुछ, करता है अलग। और इसी में ही देखिएगा, सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लेके वो लोग लास्ट इलेक्शन में आप लोग देखिएगा, सबका साथ सबका विकास ये मुद्दा लेके वो लोग आया था, हम लोग सबका साथ रहेंगे, सबका विकास करेंगे। तो सबका साथ रहने का बात जो है, सबका साथ के लिए कि ये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना
सबका साथ हो गया ना सबका विकास हो गया, कौन सा में हो गया? तो यहाँ से ही लगता है वो लोग जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है। तो इसीलिए छल कपट से वो लोग राजनीति को अपना देश को शासन कर रहा है और आदमी लोग को जनता को बेवकूफ़ बना के वो लोग वोट अदाय किया था, आगे भी जनता को यही इस तरीके से बेवकूफ़ बना के वो लोग आगे चल रहा है। इसका रिजल्ट वो लोग को अगले इलेक्शन में ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आने के लिए और आपने अपना समय दिया, धन्यवाद। नमस्ते।